Assalamualaikum स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल लेट्स गेट स्टार्ट our today's lesson. लेसन Today we will वी विल टॉक अबाउट वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है आज हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के वर्क करने का प्रोसेस क्या है किस तरह से नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करता है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फर्स्टली that

इंटरनल हों उनको हम कहते हैं स्टिमुलस इनके जो प्लोरल फॉर्म है वो है स्टिमुलाई फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इन्वायरमेंट है अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी ये क्या है हमारे इन्वायरमेंट में एक चेंज है इसी तरह की जो अगर हम और चेंजेस की एग्जाम्पल लेते हैं तो कौन कौन से चेंजेस हैं जैसे हीट कोल्ड प्रेशर साउंड वेव्स एट्सट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है वो है रिसेप्टर्स वट आर रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स आर बेसिकली डेट ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स ऑफ द बॉडी डेट डिटेक्ट स्टिमुलस रिसेप्टर्स आर दोज ऑर्गन्स टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी डेट डिटेक्ट स्टिमुलस रिसेप्टर हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं जो चेंज आया है हमारे एक्सटर्नल या फिर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में रिसेप्टर उनको सेंस करते, है, करते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर बेसिकली हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है आइज ईयर्स नोज टंग स्किन ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स है और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं इन हमारी साइट्स पर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स इन हमारी साइट्स पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है स्टिमुलस को सेंस करना है नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है वो है इफ़ेक्टर्स वट आर इफेक्टर्स इफेक्टर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इफेक्टर्स हमारी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो रिस्पोंस प्रोड्यूस करते हैं ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ स्टिमुलस यानी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया उस चेंज को डिटेक्ट किसने किया रिसेप्टर्स ने और उस चेंज के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया वो किसने किया इफेक्टर्स ने एक दफ़ा दोबारा देखें हमारे इन्वामेंट में जब कोई चेंज आता है तो उसको डिटेक्ट कौन करते हैं उस चेंज को रिसेप्टर्स और उस चेंज के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो करना होता है वो कौन शो करते हैं इफेक्टर्स टू अंडरस्टैंड दिस अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल वेन वी फील थ्रस्ट देन वट वी विल डू वी ड्रिंक वाटर वी सर्च फॉर वाटर जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं हम किसी ऐसी जगह को तलाश करते हैं जहाँ पे हमें पानी अवेलेबल हो तो इस केस में स्टूडेंट्स जो हमारे अंदर एक चेंज आया है यानी हमें फर्स्ट की फीलिंग आई है वो क्या है हमारे पास एक स्टीमुलस है जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वामेंट में एक चेंज आया है इस चेंज को डिटेक्ट कौन कर रहे हैं रिसेप्टर्स यानी हमारी आइज़ और हमारी आइज़ ने इसको डिटेक्ट कैसे किया है कि हमारी आइज़ जो हैं वो पानी को ढूंढ रही हैं इस तरह से जो हमारे रिसेप्टर्स हैं यानी हमारी आइज़ हैं वो इस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करती हैं और हम जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टूवर्ड्स द ब्रेन सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं और ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया मैसेज ट्रांसफ़र किया सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को ब्रेन की तरफ लेकर के और ब्रेन क्या करेगा फर्दर इस मैसेज के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा मीन्स ब्रेन जो है वो इसके ऊपर प्रोसेस करेगा और देखेगा कि हमें क्या रिस्पॉन्स शो करना चाहिए इसके बाद जो ब्रेन का मैसेज है वो मोटर न्यूरोस आर दोज न्यूरोन्स डेट टेक अवे मैसेज फ्राम द ब्रेन वो न्यूरोन्स हैं जो मैसेज को ब्रेन के से दूर लेकर जाते हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर्स ब्रेन का जो मैसेज है वो मोटर न्यूरोस को ट्रांसफ़र होगा और मोटर न्यूरोस ये मैसेज मसल्स तक लेकर जाएंगे और फिर मसल्स जो हैं यानी हमारे हाथ के जो मसल्स हैं और जो हमारे आर्म के मसल्स हैं वो क्या करेंगे उनमें रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होगी और इस तरह वो ग्लास को उठा पाएंगे और हम पानी पी सकेंगे लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल वंस मोर टाइम वी फील थ्रस्ट एंड वी स्टार्ट सर्च फॉर वाटर हेयर द स्टिमुलस इज थ्रस्ट यानी यानी वाटर के लिए सर्च करना वोटर को तलाश करना Then <clears throat> our receptors detect this stimulus, and the, in this case, eyes act as our receptors. Our receptors transfer this information in the form of message or nerve impulses towards our sensory neurons. Sensory neurons carry this message towards the brain. Here, the brain processed on this message and transfer information towards the motor neurons what are motor neurons motor neurons are the neurons that transfer message from brain towards the effectors so motor neurons carry this message towards the effectors and in this case muscles act as our effectors and the muscles contract and pick up the glass एंड इन दिस वे वी कैन ड्रिंक वाटर सो हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं <coughs> किस तरह से पीते हैं जो हमें प्यास फील हुई यानी हमें फर्स्ट फील हुआ वो है हमारी बॉडी के अंदर एक चेंज आया और वो क्या है एक स्टिमुलस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने यानी जो हमारी आइज हैं उन्होंने पानी को तलाश करना शुरू कर दिया पानी को ढूंढना शुरू कर दिया और ये जो इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारी आइज़ हैं वो पानी को ढूंढ रही हैं ये वाली जो इन्फॉमेशन है ये सेंसरी न्यूरोस के थ्रू ट्रांसफ़र हुई ब्रेन तक और जो ब्रेन है उसने जो हमें रिस्पॉन्स शो करना चाहिए उसको एक मैसेज की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया इफेक्टर्स की तरफ थ्रू मोटर न्यूरोन्स मोटर न्यूरोस के जरिए इस मैसेज को ट्रांसफर किया टूवर्ड्स द इफेक्टर्स और जो इफेक्टर्स हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्स शो किया कि जो हमारे इफेक्टर्स हैं हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए पानी का ग्लास उठाया और इस तरह से हम पानी सकेंगे स्टूडेंट जैसा आप लोग देख रहे हैं कि एक येलो कलर का एक लाइट की तरह का आपको ट्रेवल करता हुआ एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है

and from here it is transmitted towards the motor neurons and ultimately towards the effectors and effector shows a suitable response against stimulus एक दफ़ा दोबारा से इसको देखें कि क्या किस तरह से हो रहा है कि जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो इसको हम ये जो हमारा स्टिमुलस है ये डिटेक्ट करते हैं हमारे रिसेप्टर यानी सेंसरिंग न्यूरोस और इसको ट्रांसफर करते हैं इंटर न्यूरोस की तरफ वहाँ प्रोसेसिंग होती है और मैसेज ट्रांसफर होता है मोटर न्यूरोस की तरफ और मोटर न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफर होता है हमारे मसल्स की तरफ और मसल्स जो है वो एक रिस्पॉन्स्यो करते हैं और हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं इस तरह से हमारे पूरे जो तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस तरह से वो प्रोसेस करता है और इस एक्टिविटी के थ्रू हमें बहुत क्लियरली समझ आ रही है ओके okay, स्टूडेंट आज के लेसन में हमने एक मॉडल के थ्रू डिस्कस किया कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के काम करने का प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस किया और इसमें हमने सबसे पहले स्टिमुलस के डेफ़िनेशन देखी कि स्टिमुलस क्या है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली है जो या तो बैरूनी हो सकती है हमारे जिसम से या हमारे जिसम के अंदर वाली साइड पे हो सकती है ये कोई भी तब्दीली हो सकती है जैसे कि गर्मी सर्दी प्रेशर आवाज़ की लहरें वगैरह और इसके बाद हमने रिसेप्टर्स की डेफिनेशन की क्या होते हैं कोई भी ऑर्गन्स हो सकते हैं टिश्यूज़ हो सकते हैं सेल्स हो सकते हैं जो स्टिमुलस को महसूस करते हैं यानी उसको डिटेक्ट करते हैं इसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलस के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन होती है यानी जो मलूम वसूल होती हैं उनको नर्व इम्पल्स की फॉर्म में रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन मालूम के ऊपर प्रोसेस करता है और मालूम और तो हदायात को मोटर न्यूरोस को ट्रांसफ़र करता है मोटर न्यूर जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हदा, हदायात को मुतलका हिस्सों यानी जो हमारे टारगेटेड ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ले जाते हैं और इस तरह जो इफेक्टर्स हैं यानी इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलस के नतीजे में अपना असर शो करते हैं उनको हम कहते हैं इफेक्टर्स इफेक्ट effect का काम करते हैं इफेक्टर्स e जो हैं वो नर्व इम्पल्स को वसूल करते हैं और उनके मुताबिक रद्दमल शो करते हैं मसल्स और ग्लैंड जो हैं वो इफेक्टर्स e के तौर पे काम करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स आज का आपका लेसन यहाँ तक है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है सारे इम्पोटेंट पॉइंट्स डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़